नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और जितने हमसे नए सदस्य जुड़े हैं उन सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का विषय जो है बड़ा महत्वपूर्ण है नए और पुराने साधकों के लिए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक तो पहुँच जाए। ये वीडियो उस विषय पर बनाई गई है जो विषय साधना के क्षेत्र में, या अगर आप भगत हैं या आप कोई ओझा हैं या किसी को देखने का काम करते हैं तो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण यह वीडियो है और उसमें जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी देवता के स्थान के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है वो शमशान में होती है। फिर शमशान के बाद बारी आती है चौक या चौराहे की शक्तियों की। चौक पे बहुत सारी उग्र शक्तियां वास करती हैं, चौक से ही चला करती हैं। जैसे शक्तियों की साधना की जाती है, शमशान की साधना की जाती है, शव साधना की जाती है, उग्र साधनाएं की जाती हैं, तामसिक साधनाएं की जाती हैं, वैसे ही चौंक को जगाया जाता है, चौंक की शक्तियों को जागृत किया जाता है। जब कोई साधक चौंक की शक्तियों को जागृत कर लेता है तो उसकी जितनी शक्तियां होती हैं वो पूरी ऊर्जा के साथ चलती हैं, वो इतना प्रभावी हो जाती हैं कि आपने सुबह किसी का काम पकड़ा उस शाम तक वो काम अगर आप प्रयास करोगे तो हो जाएगा। साधना के क्षेत्र में लोग आते हैं, छोटी मोटी साधना करके घुस जाते हैं या कुछ ऐसा समझ लीजिए कि शुरू कर देते हैं अगर छोटा मोटा किसी देवता का या पितर का हाथ आ गया, लेकिन बाद में उसके परिणाम घातक ही होते हैं। कि जिस विषय पे आपने काम करना है, जिस विषय वस्तु को आप जानते नहीं हैं, उस विषय के वस्तु के ऊपर आप अगर काम करोगे तो टेक्निकली फंस जाओगे। यहाँ तंत्र क्षेत्र और जो मेरे पास जानकारियाँ हैं मैं उनको आपसे साझा करने के लिए इस YouTube चैनल को माध्यम बनाया है। तंत्र के क्षेत्र में जो देवी सबसे ज़्यादा तीव्रतम काम करती है वो है माता मैदानन, क्योंकि 360 मसानियाँ इसके साथ चलती हैं, ऐसा आपने भी सुना होगा। हालांकि बहुत कम लोगों को 360 मसानियों का नाम पता है, लेकिन मुख्य 15-20 मसानियों का ही लोगों को पता होता है। साधना के क्षेत्र में किसी को भी पूर्ण नहीं माना जाता। जैसे संसार में आदमी रहता है तो अपूर्ण ही रहता है। पूर्ण तो शिव है, शिव ही पूर्ण है, शिव ही परमात्मा है, इस चीज को ध्यान में रखें। साधक कभी पूर्ण नहीं हो सकता, पूर्ण होता है मिलन से। जब उसका ईश्वर से मिलन होता है तभी वो पूर्ण होता है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है और कोई भी इस संसार में बिना कमी के पैदा नहीं होता। जो साधना चौक जागरण की मैं आपको बता रहा हूँ, ये साधना आपकी शक्तियों में 1000 गुना ज्यादा वृद्धि कर देगी। आपके दरवाजे से कोई निराश नहीं लौटेगा कभी। बात है विश्वास की और आत्मविश्वास की, श्रद्धा की बात होती है, भावों की, मानने या ना मानने की। जैसा कि मैंने पहले बताया ये साधना 11 दिन की है और चौराहे के जागरण के लिए की जाती है। हालांकि शमशान जागरण भी तंत्र क्षेत्र में एक प्रधान साधना मानी जाती है, लेकिन शमशान साधना में एक कमी रहती है, उससे इतनी ज़्यादा ऊर्जा नकारात्मक साथ में साधक के उठ जाती है कि साधक जहाँ भी जाता है वहाँ से जो लोग होते हैं, जो ज़्यादा कोमल होते हैं, उनके ऊपर को प्रभाव होने चालू हो जाते हैं। यही समझ लें कि जो शमशान की साधनाएं हैं वो उनके लिए हैं जिनका घर द्वार नहीं है, उनका परिवार नहीं है। हालांकि इस साधना में बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लें, घेरा लगा लें तो बहुत अच्छी बात है। रक्षा मंत्र का जाप कर लें पूरी तरह से, फिर ही इस साधना को करें। साधना में पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर एक बार ये साधना कर लेते हो तो जल्दी जल्दी इस साधना को करने की तो नहीं आपको पड़ेगी। प्रचंड शक्तियाँ इसके साथ उठती हैं, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। जिन्होंने चौक चौराहा जगाया है उनको पता है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। नए साधक हैं उनको मैं बता देता हूँ, जैसे शमशान जगाया जाता है तो शमशान की शक्तियाँ उस साधक के कार्य साधन करने के लिए तत्पर रहती हैं, वैसे ही जब चौक जागृत किया जाता है, चौराहा जागृत किया जाता है, तो चौराहे की शक्तियाँ भी जब काम करने के लिए तत्पर रहती हैं। सामान्यतः ये साधना की जाती है किसी निर्जन चौराहे पर,
लेकिन अगर निर्जन चौराहा आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप इसे घर की छत पे कर सकते हैं या फिर आप खुले मैदान में भी इसको कर सकते हैं। अगर आप चौक चौराहे से काम लेते हैं या चौक चौराहे पे कोई ढाड़ा देते हैं या कोई उतारा देते हैं या चौक चौराहे की कोई शक्ति चलाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस साधना को करना। निश्चित समय पर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साधना के विषय में यूज की जाने वाली प्रयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं को एकत्र कर लेना। गणेश का स्मरण करके आपको हाथ में जल लेकर के सभी शक्तियों का आवाहन करना चाहिए, उसके उपरांत ही यह साधना चालू की जा सकती है। अगर आप चौराहे में यह साधना कर रहे हो तो सिर्फ भोग देना ही काफी रहता है, लेकिन अगर मैदान और छत पे आप इसको कर रहे हैं तो आप ये समझ लें कि आपको चावल से क्रॉस का निशान बनाना है, चावल से प्लस का निशान बनाना है और उसके बीचों बीच आपको पूर्वाभिमुख होकर के आसन लगाना है। चारों दिशाओं में यानी कि जहाँ जहाँ लाइन जा रही है उनके ऊपर आपको को सरसों के तेल का दिया वो जलेगा, उसके साथ ही आपको एक एक नींबू हर दिशा में रखना है, चारों दिशा में रखना है और साथ में एक एक मुट्ठी काली उड़द वो भी आपको साथ ही में एक एक दिशा में यानी चारों दिशा में रखना है। अगर आप इस प्रयोग को चौराहे पर या खुले मैदान में कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन अगर आप घर में कर रहे हैं तो थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको एक युक्ति बता रहा हूँ। उसके लिए आपको चौराहे की मिट्टी को निमंत्रण दे करके निमंत्रण पूर्वक उसे ला करके वहां अपने आसन के नीचे रखना है, फिर दीपक प्रज्वलित करके धूप जलाएं और जो भोग आपको मैं बता रहा हूं वो भोग आपने देना है। इसमें साथ साथ लौंग इलायची है, साबुत लौंग और छोटी हरी इलायची साथ साथ पीस, सात प्रकार की मिक्स मिठाई है, जोड़ा सिगरेट है, सेंट एक नारियल के ऊपर जो है काली चुन्नी चढ़ी हो वो आपने देना है, पानी वाला नारियल, और केले का एक फूल, एक पाव शराब ले लें, पांच छुहारे या खारक जिसे बोला जाता है, थोड़ी सी बकरे की कलेजी, एक अंडा और अंतिम दिन जो आपने देना है वही मेन चीज है, अंतिम दिन आपने काली मुर्गी लेनी है और उसकी बलि चौराहे पर देनी है। कि मैंने पहले बताया एक माला जाप करने के बाद आपको शराब चारों दिशा में गिरा देनी है, एक एक नींबू जो है वो काट देना है अलग अलग दिशा में जहां रखे हुए हैं हमने, और उतना करने के बाद आधे नींबू को जमीन पर निचोड़ देना है। इससे आपकी चारों दिशाएं खुल जाएंगी, चारों मार्ग खुल जाएंगे, सभी दिशाएं खुल जाएंगी, आपके कार्य बनने लगेंगे, फिर आपको लगातार 11 दिन प्रतिदिन निश्चित समय के ऊपर जाप करना है। वैसे ही आपने प्रक्रिया को रिपीट करना है, एक पहले आसन लगाना है, फिर भोग देना है यानी सामने रखना है, और उसके बाद जाप शुरू करना है। जाप शुरू करने के बाद एक माला जब आपकी फर्निश कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए, आपने वो चारों दिशाओं वाले नींबू जो है काट देने हैं। नींबू काटने के बाद आपको वापस चार माला करनी है, ऐसे पांच माला प्रतिदिन आपकी 11 दिन तक चलेगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा चमत्कार और अलग अलग चीज़ें ऐसी समझ आएंगी, दिखाई देंगी, आप एक अलौकिक जो क्रियाएं हैं उनके साक्षी बन जाएंगे, अलौकिक चमत्कार होने लगेंगे, आपके आसपास जहां भी आप रहेंगे वहां ये शक्तियां आपके कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन तंत्र के क्षेत्र में रहस्य सफलता का सूत्र है, से त्याग मोक्ष का सूत्र है, वैसे ही रहस्य या राज, किसी बात को राज रखना वो कामयाबी की पहली निशानी है। पहले दिन जो आप पूजा करेंगे दूसरे दिन उस सामान को बटोर लेना है और किसी काले कपड़े में रख देना है, गठी लगा करके या दूसरे दिन उसे जल प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसे कामों में अड़चने बहुत आती हैं तो काली मुर्गी का पहले ही प्रबंध कर लें।
ये एक पूर्णतया तामसिक क्रिया है, इसको सात्विक तरीके से भी किया जाता है। वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सात्विक तरीके से इसको कैसे करना है। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, मिलते हैं नई वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी।